अच्छा, शॉर्ट सर्किट में हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, खाली एन का टर्मिनल को ही खुला रहेगा, ठीक है। वाई और बी को शॉर्ट करना है। वाई और आर के बीच में हमें एक एमिटर कनेक्ट करना है, तो किसी भी टर्मिनल को कनेक्ट करो, क्योंकि एसी है चलेगा, किसी तरह से भी कनेक्ट करो, ठीक है। और फिर खाली फोप देखो, उसका रेटेड करंट है 4.5, ठीक है। वहाँ पर 45 लिखा है, पर हमें 4.5 लेना है, क्योंकि हमें 4.5 एम्पियर दिया है, तो रेटेड करंट 4.5 है, तो हमें उसका फेज भी लेने, पर फेज के लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि करंट तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो करंट सेम हो गया, 4.5 पे हमें देखना है, 4.5 पे यहाँ पे कितना एमीटर का रीडिंग, मतलब ये जो है ये आर और वाई के बीच में दिखा रही है, रेटेड करंट के लिए, ठीक है। और ये फील्ड करंट के लिए, फील्ड करंट के बीच में डीसी है, ठीक है। डीसी याद रखना, ये 0 to 5 एम्पीयर के बीच में जितना भी वैल्यू आएगा वो लिख लेना है, ठीक है। थैंक यू।